शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिलहक्कि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين صدق الله العلي العظيم। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरह माइदा का दर्स चल रहा है और गुज़िश्ता आयात के अंदर हमने बनी इसराइल के मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी, उन पर अल्लाह ताला की सज़ाएँ और फिर उनको जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि तुम जिहाद के लिए जाओ, जैसे आज हमारे जुमे का बयान भी हुआ कि यही वो पीछे आयतें गुज़री हैं कि जाओ जाकर फ़लस्तीन को फ़तह करो। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा हम तो नहीं कर सकते, ये तो कौम उमालका बहुत ताकतवर कौम है, हाँ ये ख़ुद ब खुद मैदान छोड़ के चले जाएँ फिर हम पता कर लेंगे। जैसे आज भी बुज़दिल कौमें ये समझती हैं कि जिहाद किए बग़ैर ही सारी दुनिया फ़तह हो जाए ना, बनी इसराइल भी यही चाहती थी। कहने लगे हाँ हाँ फ़तह कर लेंगे फ़लस्तीन, लेकिन जब ये कौम उमालका छोड़ के चले जाए तब हम फ़तह कर लेंगे। इसलिए जो है वो क्या है, वो भी टांग कटवा के शोहदा में नाम लिखवाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह नहीं होगा और उनको फिर सज़ा मिली। अब यहाँ अल्लाह ताला जो है उनको आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा सुना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जिस बेटे ने मेरी नाफरमानी की उसका क्या सिला हुआ, जिस बेटे ने मेरी फर्मा बरदारी की उसका क्या सिला हुआ। एक तो ये रबत बनता है आपस में, ठीक है। और इसी तरह जो है ये क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, उनका हमें पूरा किस्सा सुनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देखें सबसे पहला कौन सा गुनाह हुआ और उस गुनाह के क्या क्या असरात हुए। अब तर्जुमा देखिए, फिर हम इंशाअल्लाह इसकी तफसीर देखते हैं। वतलु तिलावत कीजिए, सुनाइए, पढ़कर सुनाइए, अलैहिम इनको, नबा ख़बर, इसलिए नबी को नबी कहते हैं ख़बरें देने वाला। नबा अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, ये किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, उस बड़ी ख़बर के बारे में, नबा यानी क़यामत के बारे में। तो इसी तरह यहाँ नबा, ये आप इन पर तिलावत कीजिए, नबा ख़बर, इब्नई, इब्न कहते हैं अरबी में बेटे को, इब्नैन, इब्नई जब इजाफ़त हो गई तो नून ख़त्म हो गया, तो इब्नई दो बेटे, आप इन पर तिलावत कीजिए दो बेटों की खबर। किनके दो बेटे, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की खबर बयान कीजिए, बिलहक़, खबर ठीक ठीक बयान कीजिए, यानी पूरा पूरा सही सही नपी तुली बात कीजिए। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, यहाँ से अल्लाह किस्सा शुरू कर रहे हैं कि जिस वक़्त, इज़ का तर्जुमे जब, जिस वक़्त, क़र्रबा जिस, क़ुरबानन जिस वक़्त दोनों ने क़ुरबानी दी। क़ुरबानी को क़ुरबान इसलिए कहते हैं कि यह क़ुर्ब से है कि क़ुरबानी देने से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। तो जिस वक़्त दोनों ने क़ुरबानी दी, फ़तुक़ुब्बिला, फिर कबूल कर ली गई, मिन अहदिहिमा, इन दोनों में से एक की क़ुरबानी कबूल कर ली गई, वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, लेकिन दूसरे की क़ुरबानी कबूल नहीं की। अच्छा अरबी का फ़र्क देख लो, आखिर हो तो उसका तर्जुमा होता है आखिरी, आखिर हो तो उसका तर्जुमा होता है दूसरा, सिर्फ ज़बर ज़ेर से फ़र्क पड़ रहा है, आखिरी आ दूसरा। अगर यहाँ पढ़े ना वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर, तो आखिरी की कबूल नहीं की गई, नहीं, वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर, एक की कबूल की गई दूसरे की कबूल नहीं की गई। क़ाल लअक़्तुलन्नक, जिसकी क़ुरबानी कबूल नहीं हुई वो गुस्से में आके कहने लगा लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे ज़रूर बेज़रूर कत्ल करूँ, लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे ज़रूर बेज़रूर कत्ल करूँ। क़ाल, तो जवाब में उस लड़के ने कहा जिसकी क़ुरबानी कबूल हो गई थी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, के उन्होंने जवाब कैसा दिया, वो बात नहीं की कि भाई क़ुरबानी मेरी कबूल हो गई, इसमें क्या मेरा क्या गुनाह है कि कबूल तो अल्लाह की ज़ात करते हैं। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, के अल्लाह तो मुत्तक़ियों की ही क़ुरबानी कबूल करते हैं, तक़वे वाले लोगों के अमाल अल्लाह कबूल करते हैं। तूने तक़वे वाली काम ही नहीं किया इसलिए अल्लाह ने तेरी क़ुरबानी कबूल नहीं की। और अगली बात अखलाक की ल इम बसत, अगर तूने फैलाया, बसत अब सुतु कहते हैं, लऊ बसत अल्लाह रिज़्क़ लिइबादिही, अगर अल्लाह रिज़्क़ को अपने बंदों के लिए फैला दे, बसत, फरमाया ल इम बसत इलैया, अगर तूने मेरी तरफ़ फैलाया, यदा का अपने हाथ को तूने मेरी तरफ बढ़ाया, किस नियत से बढ़ाया, लितक़्तुलनी, ताकि तू मुझे कत्ल कर दे, तो जवाबी कार्रवाई में मा अना बिबासिती यदी इलैक, मा अना, मैं नहीं करूँगा तेरी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, कि तूने तो मेरी तरफ हाथ बढ़ाया कत्ल करने के लिए, लेकिन मैं कत्ल करने के लिए तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, यानी मैं तेरा मुकाबला नहीं करूँ, मैं तो क्या हूँ, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो डरता हूँ उस अल्लाह से जो सारे जहानों को पालने वाला है। इन्नी उरीदु, मैं तो ये चाहता हूँ कि अन तबूअ बि इस्मी, तबूअ कहते हैं लौटना और इस्म कहते हैं अरबी में गुनाह को, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह व इस्मी का और अपने गुनाह दोनों लेकर वापस लौटे, फतकून मिन अस्हाबिन नार, फिर तो जहन्नमियों में से हो जाए, वज़ालिक जज़ाउज़ ज़ालिमीन, और यही होती है सज़ा जुल्म करने वालों की। अब यहाँ देखिए असल में वाक़या क्या पेश आया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जानते हैं कि इस कायनात के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी कई दफ़ा बताया, जिन बेचारों के पास वही का इल्म नहीं है वो कहते हैं कि इंसान की इब्तिदा इंसान से नहीं हुई बंदर से हुई, इंसानियत की इब्तिदा बंदर से हुई, और ये जो इंसान यहाँ तक पहुँचा है ना, ये क्या है, अमल इर्तिका की शक्ल है कि तरक्की करते करते इंसान बन गया। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, हम शुरू से ही तरक्की याफ्ता थे, तुम लोग बंदर होंगे जो तुमने इतनी तहकीक करके इंसान को बंदर बनाया। इंसान सबसे पहले ही बंदर नहीं, इंसान सबसे पहले ही इंसान था और सय्यदुल बशर था, बेहतरीन इंसान थे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने बराह रास्त ख़ुद मिट्टी से बनाया। और उसके वास्ते देखो, आज हमें कहते हैं यार हम मिट्टी से बने, हम तो मिट्टी से नहीं बने, कौन मिट्टी से बने, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं, लेकिन अल्लाह हमें भी कहते हैं तुम मिट्टी से बने हो। क्या मतलब कि तुम आदम अलैहिस्सलाम के वास्ता दरवास्ता बन के आए हो, तुम भी मिट्टी से ही हो। तो बहरहाल इसके और भी मतलब हैं, तो ये मैंने एक मतलब बताया। अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाना, तो दुनिया का निज़ाम किस तरह चलाया, यहाँ बहुत सी मनगढ़ंत बातें हैं, मैं आपको सही सही बात बता रहा हूँ, ये याद रखिए, लोगों ने पता नहीं यहाँ क्या क्या जो है किससे घड़ रखें। आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत हवा पैदा हुई, हज़रत हवा पैदा हो गई, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हवा के आपस के मिलाप से फिर आगे अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानियत चलाई। यही अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासुत्तक़ू, जो निकाह में आयत पढ़ी जाती है, ऐ लोगो तुम डरो रब्बकुमुल्लज़ी, अपने उस रब से, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा की। एक जान कौन थी, आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने एक नफस से पैदा किया। फ़बाअस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, अब अल्लाह आगे मिनहू नहीं लाए, तस्निया का सीगा लाए, कि फिर अल्लाह ने इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें पैदा की। दोनों से मुराद आदम और हवा से, और अल्लाह ताला इनको जुड़वा औलाद देते। ये इख्तिलाफ़ी बात है कि बास तो ये कहते हैं सुबह को जुड़वा औलाद होती, शाम को जुड़वा औलाद होती। बास कहते हैं कि आज जुड़वा औलाद होती, अगले दिन जुड़वा औलाद होती। बास ने यह कहा कि नहीं, हर हमल से जुड़वा औलाद पैदा होती, यानी पूरे एक मुद्दत हमल में जुड़वा औलाद हो जाती। बहरहाल ये भी रिवायत में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 1000 साल रही और आपकी औलाद भी उस वक़्त 1000 साल हो चुकी थी। यह सब चूँकि ना कुरान में है ना हदीस में है, इसराइली रिवायात हैं। ला नुसद्दिक वला नुकद्दिब, इसराइली रिवायत का हुक्म यह होता है कि ना हम तस्दीक कर सकते हैं ना तकज़ीब कर सकते हैं, जुटला भी नहीं सकते और सच्ची कह भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने बहरहाल इतनी बात तो पक्की है कि उस वक़्त तसलसल यही था। सारी रिवायात इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जुड़वा औलाद पैदा होती। अब जो जुड़वा औलाद पैदा होती थी, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, यहाँ तफसीर इब्न कसीर मेरे सामने है और सबसे सही बात नकल की है, वो यही है कि वो जो जुड़वा औलाद पैदा होती थी, भाई बहन पैदा हुए, इधर भाई बहन पैदा हुए, इन दोनों को आपस में भाई बहन समझा जाता था जो इकट्ठे पैदा होते थे। ये जो दोनों पैदा होते थे, हालांकि है तो वो भी बहन भाई थे, लेकिन उनको भाई बहन नहीं समझा जाता था। इन दोनों के आपस में यूँ बट्टे सट्टे के रिश्ते होते थे दोनों तरफ से। लोग कहते हैं जी कैसे हो सकता है, बहन भाई का निकाह तो हराम है। शरीयत के मसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुशरिक मर्द और मुशरिका औरत का भी निकाह हो सकता था। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों की शादियां पहले मुशरिकों से की, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर वो साथ साथ जब कुरान की आयत उतर आई, वला तनकिहुल मुशरिकीन वल मुशरिकात, मुशरिक मर्दों से औरतों से, तो मसाइल में अहकामात में तब्दीली आती रही। और अल्लाह ताला ने निज़ाम को यूँ ही चलाना था दुनिया के अंदर, तो इस तरह यूँ आपस में निकाह होते थे। अब हुआ क्या, दो बेटे थे काबील और हाबील आदम अलैहिस्सलाम के। तो काबील, अच्छा यहाँ भूल जाता है काबील कौन था हाबील कौन था। हमारे एक उस्ताद ने बड़ी प्यारी बात बताई कि ये याद रखना चाहिए कि कातिल के अंदर काफ आती है और जो कत्ल करने वाला है उसके नाम में भी पहले काफ आती है। काबील कातिल, तो इस कातिल को याद रखना हो तो काफ काबील से याद रख ले। तो काबील जो है, इसकी शादी होनी थी हाबील की बहन के साथ, लेकिन और हाबील की शादी होनी थी काबील की बहन के साथ। तो काबील को क्या था कि हाबील की बहन ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही थी कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी इसी बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये जो मेरे साथ पैदा हुई है ये खूबसूरत है, मेरा इसी पर हक़ है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। और हाबील ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तेरी बहन है, इसके साथ मेरी शादी होगी। तो इस पे झगड़ा खड़ा हो गया। इसलिए बात कहते हैं कि सबसे पहला झगड़ा जो इस कायनात में खड़ा हुआ वो औरत के सिलसिले में खड़ा हुआ, वो औरत पर खड़ा हुआ। आज भी दुनिया के अंदर जिस तरह माल और दौलत फ़साद की एक जड़ है, इसी तरह ख़वातीन के झगड़े भी एक फ़साद की बहुत बड़ी जड़ बनती है। और सबसे पहला झगड़ा भी ख़वातीन के ऊपर खड़ा हो और इश्क व मोहब्बत में खड़ा हो। आज कितनी दुनिया इश्क व मोहब्बत में पागल हुई पड़ी। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलवी साहब अगर आपका चूठा खा लें तो मेरी शादी जल्दी हो जाएगी। मैं निकाह पढ़ा के टेबल पर जाके बैठ गया ना, कहते हैं आप निकाह पढ़ा के आएँ, आपका जूठा खा लूँ तो मेरी शादी जल्दी हो जाएगी। मैंने कहा भाई आपको क्या मसला है, आप नौजवान हैं, कड़ियल जवान है, सब कुछ है, हुसन है, शादी क्यों नहीं होती? कहता है जी पता नहीं क्या बात है, शादी नहीं होती, माँ बाप भी नहीं शादी करवा रहे। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा शादी का मसला नहीं, लगता है कोई इश्क का चक्कर है, यहाँ तू शादी करना चाहता है वहाँ माँ बाप नहीं कर रहे। वो बड़ा हंसा, मुझे गले लगा लिया। कहता है मुफ्ती साहब आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिए। असल मसला भी यही। तो इश्क व मोहब्बत की दुनिया में लोग फ़ोन कर कर के पूछेंगे जी माँ बाप को पता नहीं क्या तकलीफ़ है, मैं वहाँ रिश्ता करना चाहता हूँ, रिश्ते ही नहीं करते। भाई रिश्ता करने में कोई मसलहतें होती हैं, कोई चीज़ें देखी जाती हैं, कोई ज़रूरियात, ठीक है शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। माँ बाप को भी ज़िद्दी नहीं होना चाहिए, जहाँ बच्चा बच्ची कहें कर देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि माँ बाप से बड़ा खैर खा कोई नहीं। अल्लाह की कसम सारी दुनिया इससे बेवफाई कर सकती है, माँ बाप नहीं कर सकते। और झूठ बोलता है वो आदमी जो ये कहे कि मेरे माँ बाप मेरे खैर खा नहीं। एक आदमी मुझे इसी तरह फ़ोन करके ना इश्क मोहब्बत के बड़े दलाइल देने लगे। लोग पता क्या कहते हैं जी, सच्चा इश्क करना ठीक है, सच्चा इश्क। मैंने कहा ये कौन सी इश्क की किस्म आई है, सच्ची झूठी? जी नहीं, बस गुनाह कोई ना करे, मोहब्बत करे दिल के साथ किसी से। तो मैं उसको काफ़ी समझाता रहा, कुरान हदीस समझ नहीं आ रहा। जब इश्क का भूत सवार हो जाए फिर हर चीज़ समझ में नहीं आती। तो बिल आखिर उसको मैंने क्या कहा, कहता जी मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर मेरे माँ बाप शादी पे ना माने, बच्ची ने भी तय कर लिया अगर मेरे माँ बाप ना माने हम भाग जाएंगे, हम कहीं और जाके शादी कर लें। तो ये बताओ कि अब हमें ये शरी हक़ है कि नहीं? तो मैंने उसे फिर मैंने कहा टेढ़े सवालों का टेढ़ा जवाब, मैंने उसे यही कहा कि भाई ये बताओ कि कल को अल्लाह तुम्हें औलाद देंगे और अल्लाह तुम्हें औलाद में बेटी भी दे दें, और तेरी बेटी मुझे फ़ोन करके पूछे मुफ्ती साहब मैं फ़लाने लड़के के साथ भाग जाऊँ, मैं इश्क करना चाहता हूँ, तो तेरा क्या ख्याल है मैं उसको क्या जवाब दूँ? कहना मुफ्ती साहब तमीज़ ना गल करो, मुफ्ती साहब तमीज़ से बात करो। वो मुझे फ़ोन पे गुस्से हो गया। मैंने कहा अब तेरी गैरत क्यों जागी, अब इश्क कहाँ चला गया? इसलिए जो है ये बड़े ठंडी बातें सोचने की होती हैं। तो यहाँ भी सबसे पहला काम इश्क। तो उन्होंने समझाया, अब क्या हुआ, अब इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम ने समझाने के तौर पर यह कहा कि चलो तुम ऐसा कर लो, तुम दोनों भाई एक नज़र मान कुर्बानी दो, अल्लाह के नाम पर कुछ ना कुछ दो, पता चल जाएगा कि तुम में से कौन सही है कौन गलत। उस ज़माने में तरतीब ये होती थी कि पहाड़ों के ऊपर सदका रखाते थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ये अल्लाह के नबी की उम्मत की खसूसियत है कि आपने फ़रमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सदका हलाल कर दिया। हलाल किस तरह कर दिया कि मालदारों से लो, गरीबों पे ख़र्च कर दो। पहले ज़माने में गरीबों पे ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं थी, सदका लेते थे पहाड़ों पे रखाते थे। लेकिन आज भी ऐसे मौलवी हैं जो उम्मत को सदका खिलाने के लिए तैयार नहीं। वो किस तरह, वो कहते हैं जी बकरा लेके कब्रिस्तान में दबा दो, वो क्या कहते हैं बहुत सारा माल लेके चीलों को डाल दो, कौओं को डाल दो। वो जानवरों का तो अल्लाह ने खुराक का बंदोबस्त किया, इधर बनी आदम भूखी मर रही है तेरे पड़ोस में, तेरे इर्द गिर्द, उनको तो खिलाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा खासा बकरे का गोश्त लेके मुर्दों के पास दफना के आ जाते हैं, मुर्दे क्या करेंगे उसको। तो अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए सदका हलाल किया है। पहली उम्मतों के लिए पहाड़ पर रखा था, लेकिन उसका एक फ़ायदा और फ़ायदा भी था और परेशानी की बात भी थी। देखो ना, अब मैं हूँ, मैं टूटी फूटी जैसी नमाज़ पढ़ता हूँ, जैसा सदका देता हूँ, अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई। उस ज़माने में सब फाश हो जाता, पहाड़ पे सदका रख दिया, आग आती थी, आग खा जाती थी, सदका कबूल। जिसका सदका आग नहीं खाती थी कबूल नहीं। तो सब दुनिया को नज़र आता था ये गुनाहगार आदमी है, इसका सदका कबूल नहीं हुआ। जब उन्होंने सदका करने के लिए दोनों तैयार हुए, वो मान गए ठीक है, तो हज़रत हाबील ने अच्छा ख़ासा बेहतरीन दुम्बा अल्लाह के नाम पर जाके ज़िबा करके उस पहाड़ के ऊपर गोश्त रख दिए। उधर काबील पे इश्क का भूत भी सवार था, और साथ उसने सदके के लिए मरी मुर्गी मुल्ला जी के नाम उसने क्या किया, सबसे फुसा बचा खुचा उठा के सदका लेके वो चला गया। क्या कहते हैं जी, माशाल्लाह आज घर में खाना पकाया था जी, बच गया, चलो सोचा तालिब इल्मों को खिला दें, हैं, या मौलवी साहब घर में खाना बच गया था आज मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो कितनी शर्म की बात है। कहते लतीफ़ा मशहूर है, एक आदमी के लिए जो है ना, मौलवी साहब के लिए मस्जिद में, मेरे लिए नहीं ऐसा होता है, मैं वैसे बता रहा हूँ, मस्जिद में एक मौलवी साहब के लिए एक आदमी प्याले में खीर लेके आया। मौलवी साहब बड़े खुश हुए, कहने लगे भाई बड़ी बात है, आज मेरी खीर के साथ खिदमत हो रही। कहते जी वो बच्चा था, मासूम बच्चा, मासूम बच्चे बात छुपाते नहीं, खोल देते हैं। उसने कहा जी बात असल में ये है कि खीर में बिल्ली मुंह डाल गई, अम्मी ने कहा मुफ्ती मौलवी साहब को खिलाओ मस्जिद में। मौलवी साहब को गुस्सा आया, गुस्से में उठा के उन्होंने खीर समेत दीवार पे मारी। जब दीवार पे लगी तो प्याला भी टूट गया। वो बच्चा प्याला उठा के खुश हो रहा है। उसने कहा क्या हुआ, तू प्याले पे खुश क्यों हो रहा है? कहते मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ अम्मी इस प्याले में भी रोज़ाना बिल्ली को दूध पिलाती है, प्याला भी वही है, खीर भी वही है। तो इसलिए बहरहाल सदका जब किसी को देना हो ना, तो सदका भी इंसान को क्या है, आला माल का सदका अल्लाह की राह में देना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया तुम हरगिज़ नेकी के उस दर्जे को, चौथे पारे का बिल्कुल पहली आयत, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम अल्लाह के यहाँ उस वक़्त तक कमाल को पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ खर्च ना करो, महबूब चीज़। तो बहरहाल उसने बचा खुचा सदका लाकर वो पहाड़ पे रख दिया, और अल्लाह ताला ने हज़रत हाबील का सदका कबूल कर ली। अब जब कबूल हो गया तो गुस्से में आया और पता चल गया कि अब निकाह तो क्या है मेरा उसके साथ होगा नहीं जो मैं चाहता हूँ। तो अब गुस्से में आके कहने लगा, ए हाबील मैं तुझे कत्ल करूँ, कत्ल की धमकी दे दी, लअक़्तुलन्नक तुझे ज़रूर भी ज़रूर कत्ल करूँ। वो भी आगे से क्या थे, उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह तो तक़वे वालों की नेकियां कबूल करते हैं। यहाँ से उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, और वो बात यह है कि पता चला कि कत्ल से भी पहला गुनाह हसद हुए, कत्ल से भी पहला गुनाह हसद, हसद जेलस, जेलसपन, यह कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, इसलिए कि हसद बड़े बड़े गुनाहों पर आमादा करता है। हसद क्या था कि खूबसूरत लड़की इसके निकाह में क्यों जाए, मेरे निकाह में क्यों ना आए, ये हसद पैदा हुआ। और उसी हसद में आके गुस्से में, आज सबसे बड़ी बीमारी क्या है, किसी को खूबसूरत आवाज़ हो उस पे हसद, किसी के बयान में चंद लोग बैठे हों उस पे हसद, उलमा में हसद, मौलवियों में हसद, मसाजिद में हसद, बाहर हसद, दुकानदारों का, ताजरों का आपस में हसद। अल्लाह की हिफाजत फरमाए। हसद इतनी गंदी बीमारी है। क्या हसद में होता है कि बंदा कहता है या अल्लाह मैनू कुछ लब्बे ना लब्बे, ए नाल दे दा कुछ ना बचे, ये तबाह हो जाए बस। वो उसके खसारे की खबर सुन के इतना खुश होता है, उसको खुशी महसूस होती है चेहरे। इसलिए जब बाद साहबा ईमान लेके आए, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी कुछ सिफ़ात हमारे अंदर ज़माने जाहिलियत से, कुछ सिफ़ात हमें आपकी महफ़िल में बैठकर मिली। वो सिफ़ात जो ज़माने जाहिलियत की हैं उनमें से एक ये है कि हम कभी दुश्मन पे भी मुसीबत आए तो खुश नहीं होते, दुश्मन पे भी मुसीबत आए तो खुश नहीं होते। इसलिए इस तरह की बहुत गंदी बीमारी है, अल्लाह की हिफाजत फरमाए। तो भाई उसमें हसद हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया, कहते आज भी यही जवाब होना चाहिए कि जब दिल में हसद पैदा हो ना, तो आगे से ये कहे कि यार अल्लाह ने उसको रुतबा दिया है, वो अपने तकवे की वजह से वहाँ पहुँच गया, तू इतना मुत्तकी है नहीं, तू भी मुत्तकी बन जा, तू भी तकवे की ज़िंदगी अपनाना ताकि अल्लाह तुम्हें वहाँ पहुँचा दे। फला आदमी बड़ी मेहनत करता है, तू भी मेहनत कर, अल्लाह तुम्हें उस नतीजे पे पहुँचा दे। तो उन्होंने वही जवाब दिया कि तू मुत्तकी बनता, अल्लाह तेरा सदका कबूल करते। अब बात सुन ले, तू मुझे कत्ल कर, लेकिन मैं तुझे जवाबी कार्रवाई में कत्ल नहीं करूँ। ये बहुत बेहतरीन जवाब दिया उन्होंने अपने भाई से, और ये कहा कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। हालांकि शरीयत ये हक़ देती है कि अगर सामने वाला आपको कत्ल कर रहा है तो आप भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात है कि अगर मुकाबला आपका काफिरों के साथ है तो हाथ पांव बांध कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करो। लेकिन अगर भाई का मामला हो तो शरीयत हक़ देती है कि आप लड़ तो सकते हैं मुकाबले में, अलबत्ता अजीमत का तकाज़ा, अफजलियत का तकाज़ा ये है कि उसकी मार खा जाओ, मुकाबले में हाथ ना उठाओ। ये है असल, लइम बसत्ता इलैया, तू मेरे ऊपर हाथ उठा, मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की गुस्से से दाढ़ी पकड़ ली, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाबी कार्रवाई में मूसा अलैहिस्सलाम की दाढ़ी नहीं पकड़ी, बल्कि उनको यही कहा कि मेरे भाई मेरी बात तो सुने, मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी छोड़े, मेरा सर छोड़े, मेरी बात तो सुने, उनको पूरी बात सुनाई। ये है अखलाक का तकाज़ा। इसीलिए जो है कि अल्लाह मुत्तकियों की बात कबूल करते हैं। जो है ना, हज़रत अबू अय्यूब सुख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बल्कि इससे पहले एक हदीस भी है, हज़रत सअद इब्न अबी मुसनद अहमद की हदीस है, हज़रत सअद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर जब हालात आए तो उस वक़्त क्या हुआ कि उन्होंने ये बात सुनाई, सहाबा कह रहे थे ना आप इजाज़त दें हम हमला करें, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद है, आपने फरमाया था अन करीब फ़ितने का ज़माना होगा, फ़ितनों के ज़माने में बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी अगर कोई आदमी किसी पे हमला करने के लिए उसके घर में ही घुस जाए तो फिर क्या करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जवाब है जो हदीस इससे मिलती है, कुन का इब्ने आदम, आपने फरमाया उस्मान उस वक़्त आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह हो जाना, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की तरह हो जाना कि वो तेरे ऊपर हाथ बढ़ाएं तो जवाब में कहना मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँ, मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं। हज़रत अबू अय्यूब सुख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले कुरान की इस आयत पर अमल करने वाली शख्सियत हज़रत उस्मान गनी, जिन्होंने अल्लाह के नबी की इस बात को निभाया कि आपके ऊपर हाथ, हालांकि आप वक़्त के हुक्मरान थे, हाकिम थे, और अगर आप चाहते तो जितना मर्ज़ी क़िताल करवा देते, लेकिन फरमाया नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और इसी तरह एक हदीस में आता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा का जनाजा था, हज़रत रबीई फरमाते हम जनाजे में थे, मैंने एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि मैंने इस मरहूम से हज़रत हुज़ैफ़ा से ये हदीस सुनी है कि हज़रत हुज़ैफ़ा ये फ़रमाते थे कि जिस दिन तुम लोग आपस में कत्ल व क़िताल करने लग गए तो मैं देखूँगा मेरा सबसे दूर घर कौन सा है, मैं वहाँ चला जाऊँगा, और अगर फिर भी मेरे घर में कोई दाखिल हो गया तो फिर मैं आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह हो जाऊँगा, तो फिर मैं आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की तरह हो। इसलिए भाइयों क्या है, सबसे बेहतरीन बात अखलाक है, और अल्लाह नेकी कबूल करता है किनकी? फरमाया अल्लाह नेकियां कबूल करते हैं मुत्तकीन लोगों की। इसलिए हज़रत अबू दर्दा रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह मुझे ऐलान करके कह दे ए अबू दर्दा मैंने तेरी आज एक नमाज़ कबूल कर ली, तो फरमाया करते थे मुझे दुनिया जहाँ से ज़्यादा पसंदीदा होगा, इसलिए कि अल्लाह ये कहते हैं कि मैं तो नेकी तकवे वालों की कबूल करता हूँ, तो गोया कि अल्लाह ने मुझे मुत्तकी बना दिए। तो भाइयों इसलिए मुत्तकी तक़वे की ज़िंदगी। यह फरमाया इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू अपना गुनाह और मेरा गुनाह दोनों लेके चले जाए, फिर तू दोज़ख वालों में से हो जाए। और यही बदला ज़ालिमों का मतलब ये है कि जब तू मुझे कत्ल करेगा तो कत्ल करने की वजह से, जैसे एक हदीस में आता है ना अल कातिल वल मक़तूल किलाहुमा फिन्नार, आपने फरमाया कातिल और मक़तूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे। साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी कत्ल करने वाला तो जहन्नुम में जाएगा, जो मकतूल हुआ वो क्यों जहन्नुम में जाएगा? वो तो बेचारा ज़िबा हो गया, मज़लूम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उस वक़्त है जब दोनों एक दूसरे को कत्ल करने का इरादा रखते हों। उसका भी इरादा उसको मारने का था, उसका भी इरादा उसको मारने का था, लेकिन दा उसका चल गया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों गुनाहगार। ये उस वक़्त है कि जब एक आदमी कत्ल कर रहे, दूसरा अपने दिफा के अंदर लड़ रहे, और इस हालत में मकतूल गुनाहगार नहीं होगा, इस हालत में सिर्फ़ कातिल गुनाहगार होगा। तो कहा कि मैं अगर लड़ूंगा तो हो सकता है लड़ने की वजह से लोग आदम अलैहिस्सलाम ये समझें कि ये दोनों भाइयों की लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। तो असल बात यह है कि तू मुझे मार, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तूने तो गुनाह लेने ही लेने, साथ मेरे गुनाह भी ले जा।